नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूँ रजनी अनुपम। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। बारामूला जिले में पोस्टर चिपकाकर लोगों को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कठुआ में तैयारियां शुरू। 16 जनवरी तक IIM जम्मू में MBA में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी। और वैष्णो देवी परिसर में हुई बर्फबारी पर्यटकों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में बाहरी लोगों को धमकी देने वाले पोस्टर चिपकाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि पिछले 22 दिसंबर को पुलिस पोस्ट पलहालन को पता चला कि बाहरी लोगों को धमकी जारी की जा रही है। पहलगाम में तथाकथित आतंकी समूह लोन वुल्फ वॉरियर की ओर से शराब की दुकान खोलने के सरकार के फैसले की निंदा की गई है। प्रवक्ता ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के एक दल को सड़क किनारे पोस्टर चिपका हुआ और कुछ पोस्टर मिले। जांच के दौरान कई संदिग्धों को पकड़ा गया। कड़ी मुशक्कत के बाद पुलिस ने तांतेपोरा पलहालन निवासी अल्ताफ अहमद राठर के रूप में पहचाने गए संदिग्ध की पहचान की। प्रवक्ता ने कहा कि पूछताछ के बाद राठर ने कबूल किया और एकत्र किए गए सबूतों ने अपराध करने में उसकी संलिप्तता की पुष्टि की। भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम अब पूरी तरह तय हो चुका है। अब कठुआ जिले में राहुल गांधी 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन रुकेंगे। 1 दिन कठुआ और 2 दिन चढ़वाल में रुकेंगे। इससे पहले उनका कठुआ जिले में 2 दिन ही रुकने का कार्यक्रम था, लेकिन पार्टी ने उन्हें 1 दिन कठुआ में विश्राम के लिए दिया है। इस यात्रा की तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। दिल्ली से पहुंची अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 7 सदस्यीय टीम ने यात्रा के प्रबंधों का जायजा लिया। जिला कांग्रेस के प्रधान पंकज डोगरा ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में जिला कठुआ में की जा रही तैयारियों को फाइनल कर दिया गया है। तैयारियों को फाइनल करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 7 सदस्यों का दल यहां पहुंचा। इस दल का नेतृत्व बाई वैजू कर रहे हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में MBA के 2 वर्षीय कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। 16 जनवरी तक अभ्यर्थी पंजीकरण करवा सकेंगे। संस्थान की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस कोर्स में प्रवेश के लिए CAT परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं। उसी के आधार पर छात्रों का मेरिट सूची तैयार कर प्रवेश के लिए चयन किया जाएगा। प्रदेश का ये पहला संस्थान है जहाँ ये कोर्स करवाया जा रहा है। IIM जम्मू में इस बार ये दूसरा बैच शुरू होने जा रहा है। पहले बैच को कुछ माह पहले शुरू किया गया है। एम्स जम्मू के सहयोग से करवाए जा रहे इस कोर्स के प्रैक्टिकल के लिए नारायणा अस्पताल आदि में भेजा जाता है, जहां छात्रों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जाती है। श्री माता वैष्णो देवी परिसर में हुई बर्फबारी से भक्तों का उत्साह और बढ़ गया है। बर्फबारी को देखकर भक्तों के चेहरे खिल उठे हैं, उनके मन की दोहरी मुराद पूरी हो गई है। शनिवार को मौसम साफ होने से भवन की तरफ जाने वाले यात्रियों को राहत मिली। बैटरी कार और रोपवे सेवा लगातार जारी है। बारिश व हिमपात से लोगों को थोड़ी परेशानी हुई। इस बीच कटरा व सांझी छत के बीच चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा धुंध व बारिश के कारण प्रभावित रही। हालांकि बैटरी कार सेवा जारी रहने से भक्तों को राहत मिली। इसके अलावा भवन सहित त्रिकुटा पर्वत पर हिमपात ने ठंड काफी बढ़ा दी है, लेकिन भक्तों का जोश भी सर्दी के हिसाब से ही बढ़ रहा है। बर्फ देखकर भी भक्त उत्साहित हो रहे हैं। भवन से मिली जानकारी के अनुसार माता वैष्णो देवी के दरबार में 4 से 5 इंच तक हिमपात हुआ है। वहीं त्रिकुटा पर्वत की ऊंची चोटियों पर 1 फुट तक बर्फबारी हुई। आज BJP की प्रदेश संगठन महामंत्री अशोक कौल एवं पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने बिल्लू मंदिर पंचतीर्थ वार्ड नंबर 1 में स्लैब बिछाने के काम की शुरुआत करवाई। इस दौरान अन्य कई गणमान्य लोग और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने कहा कि ये कार्य 95 लाख रुपए की लागत से करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की लंबित मांग को देखते हुए ये कार्य शुरू करवाया गया और विकास कार्य इस तरह का आगे भी जारी रहेगा। हमारा सरस्वती नाटक क्लब जो बिल्लू मंदिर के प्रांगण में हम बचपन से यहाँ पे अपनी रामलीला का मंचन और अलग अलग किस्म के जो नाट्य हैं वो यहाँ पर दर्शाए जाते हैं। मैं इस लायक बन पाई, मैं बहुत अपने संगठन का आभार व्यक्त करती हूँ कि इस लायक बनाया है उन्होंने कि हम अपने माध्यम से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो अनुदान राशि हमें मिली उसको यहाँ सहयोग दे पाए।
यहाँ पर लगभग 95 लाख रुपया जो है वो टोटल यहाँ लगा है। कोशिश करेंगे कि पूरा फर्निश हो जाए और ये जो हाल है पूरा जनता को समर्पित करें, ताकि लोग यहाँ अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को इस नाट्यों के माध्यम से, अपनी रामलीला के सनातन के माध्यम से यहाँ जुड़े रहे, ऐसा हम प्रयास करते हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने संगठन महामंत्री संगठन आदरणीय कोल साहब, भाई कोल साहब जी का, जिन्होंने हमारे आग्रह पर हमारा से यहाँ आकर आज इस जो छत पड़ रहा है उसका उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर के बर्निंग इश्यूज को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने विभिन्न विभागों में बढ़ती मांगों को लेकर उनको आ रही परेशानियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। कि आपके माध्यम से ये उनको एक बार जागे और भारतीय मजदूर संघ जम्मू कश्मीर पूरे सीरियस तरीके से इस एफर्ट्स के साथ ये लगा हुआ है कि इस काम को किया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की जो इन्होंने HR पॉलिसी लाई है, ये जो इन्होंने रातों रात इसको बना दिया, जो 40-42 साल लोग काम करते हैं फील्ड के अंदर, सारा जीवन दे दिया उनको, एक ही वन स्ट्रोक में घर चले जाओ और बिना कुछ दिए। और हम ये इस बात को मना नहीं करते कि रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए, लेकिन हम जैसे बाकी के स्टेट्स के अंदर जम्मू कश्मीर में इस चीज को लागू नहीं करते हैं, बाकी प्रदेश जो भारत के अंदर है 65 ईयर एज है और उसके साथ साथ 65 साल के बाद कुछ स्टेटों में फिजिकल फिट है जब तक, क्योंकि ये स्कीम वर्कर है, ये सोशल वर्कर है, जैसे है ये अपने राजनीतिक नेता है ये भी सोशल वर्कर है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी 65 साल उम्र है, तो बाकी की स्टेटों में 65 साल आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की उम्र है और जाति दफा वो कुछ ना कुछ इनको लमसम अमाउंट देते हैं। जैसे बंगाल के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को 3 लाख रुपया दिया जाता है, इसी तरीके से ये वर्करों को हरास कर रहे हैं। जो CDPO हैं, सुपरवाइजर हैं, ये बर्बली तरीके से उनको बोलते हैं यहाँ रिकॉर्ड जमा करो जी, यहाँ से सेंटर छोड़ दो जी, लेकिन लीगली तरीके से ये जिस तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट की है उसी तरीके से उनको टर्मिनेशन का आर्डर दे, हम जाने या ये जाने या सरकार जाने वो हम देख लेंगे। मेरा साहब बहनों से भी निवेदन है कि ऐसे हमने घर नहीं जाना, अपना सेंटर नहीं छोड़ना। नंबर दो इशू है इनका जो पेंडिंग बेजेस है, 1.5 साल का जो स्टेट का शेयर पेंडिंग है, पिछले 8 महीने से सेंटर का शेयर पेंडिंग है, और डेली वेजेस का इशू है, वर्निंग इशू है, और ये काफी दिनों से लड़ रहे हैं और काफी सालों से पेंडिंग है। कमेटी पे कमेटी बनाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे सब कमेटी रिपोर्ट आई थी 2009 के अंदर डेली वेजेस को फेस मैनर में। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी, तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित एक एशियाई दैनिक की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बारे में आम धारणा को बदलने में भारत सरकार सफल रही है। इसके साथ ही साथ 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद सरकार वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधारने में भी कामयाब रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में दावा किया था कि प्रशासन ने लोगों के अनुकूल नीतियां बनाई हैं। इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया है कि इन नीतियों का कार्यान्वयन भी अच्छे तरीके से हो रहा है। इसके साथ ही सरकार ने क्षेत्र में नए व्यवसायों और उद्योगों की स्थापना के लिए सभी बाधाओं को दूर कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार LG मनोज सिन्हा ने कहा कि उनके प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों को स्थानीय लोगों का समर्थन मिला है। जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार को ताज़ा हिमपात और बारिश हुई, जिससे श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया और घाटी के आने जाने वाले विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ। वहीं प्रदेश के 10 जिलों के लिए हिमसंखलन की चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रदेश के ऊपरी इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई। घाटी में बर्फबारी के कारण कई उड़ानें रद्द होने से हवाई यातायात प्रभावित रहा। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण श्रीनगर एयरपोर्ट के निदेशक कुलदीप सिंह ने कहा कि लगातार बर्फबारी और कम दृश्यता के कारण उड़ानें अगली सूचना तक निलंबित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार सुबह फ्लाइट संचालन किया गया, लेकिन कम दृश्यता और बर्फबारी के कारण सुबह 10 बजे के बाद इसे स्थगित करना पड़ा। एयर इंडिया, एयर एशिया, इंडिगो, स्पाइसजेट और
विस्तारा सहित अधिकांश एयरलाइनों ने खराब मौसम के कारण दिन के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी। मेहर में भूस्खलनों और सड़क पर फिसलन की स्थिति के कारण राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। पुंछ के सुरनकोट में देसी बंदूक की गोली के छरे लगने से घायल 9 वर्षीय बच्चे के उपचार के दौरान जीएमसी जम्मू में मौत हो गई। तहसील के दरा सांगला इलाके में गुरुवार को अज्ञात शिकारी द्वारा 12 बोर की बंदूक से दागी गई गोली के छरे लगने से 9 वर्षीय बच्चा अरफान घायल हो गया। उसका उपचार जीएमसी जम्मू में चल रहा था। शुक्रवार को उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने के बाद बच्चे के गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बच्चे की मौत के बाद पुलिस ने अज्ञात शिकारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर शिकारी की तलाश तेज कर दी है। गौरतलब है कि सुरनकोट तहसील के गाँव दरा सांगला निवासी 9 वर्षीय अरफान अहमद पुत्र मोहम्मद शरीफ वीरवार को अपने साथियों के साथ गांव दरा सांगला के बाहर जंगल में स्थित टिप्पर से जियारत पर गया था, जहां देसी 12 बोर की बंदूक की गोली के छरे लगने से घायल हो गया। उसकी पीठ, टांग और पेट में छरे लगे थे। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।